दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 20 दिसंबर 2022 मंगलवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी राज्यों से आप इन भर्तियों के फॉर्म भर सकते हो। महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास के लिए भी आवेदन करने का यहाँ पर सुनहरा और बड़ा अवसर निकला है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 5 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 20 दिसंबर 2022 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में, भारतीय डाक विभाग में स्किल्ड आर्टिसंस की भर्ती निकली है। वैकेंसीज आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 9 जनवरी 2023 है। सैलरी 19,900 से 63,200 है लेवल 2 के अंतर्गत। 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में आपको जमा करने होंगे। बिना एग्जाम की भर्ती है। कॉम्पिटिटिव ट्रेड टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। indiapost.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सीमा सुरक्षा बल BSF के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की, असिस्टेंट कमांडेंट मेल फीमेल की भर्ती है। वैकेंसीज आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 9 जनवरी 2023 है। बात अगर सैलरी डिटेल की जाए तो 56,100 से 177,500 है लेवल 10 के अंतर्गत। बैचलर डिग्री इन वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 23 से 30 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल OBC WS के लिए 400 रुपये है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से ही आप इस भर्ती के लिए फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा इसमें आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। recruit.bsf.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। अग्निवीर SSR MR 1/2023 बैच के माध्यम से भर्ती होगी। 1500 वैकेंसीज है। SSR के लिए 1400 है, MR के लिए 100 वैकेंसीज निकली हुई है। इस भर्ती की आवेदन करने की अंतिम तिथि एक्सटेंडेड कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जो 17 दिसंबर थी उसको बढ़ाकर अब 28 दिसंबर कर दिया गया है। अब आप इस भर्ती के लिए 28 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सैलरी फर्स्ट ईयर के लिए 30,000 है, सेकेंड ईयर के लिए 33,000 है, थर्ड ईयर के लिए 36,500, फोर्थ ईयर के लिए 40,000 है प्रति माह के लिए। SSR के लिए 12वीं पास, जबकि MR के लिए 10वीं क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो कैंडिडेट्स का जन्म 1 मई 2002 से 31 अक्टूबर 2005 के बीच में होना चाहिए। 550 रुपये फीस है जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा शॉर्ट लिस्टिंग, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट, इंटरनल मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल रिक्रूटमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे। बात अगर फिजिकल डिटेल की जाए तो हाइट मेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 152 है। रनिंग 1.6 किलोमीटर मेल को यहाँ पर 6.5 मिनट में, जबकि फीमेल को 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्वाट यहाँ पर मेल के लिए 20 टाइम्स है, फीमेल के लिए 15 टाइम्स है। पुशअप भी यहाँ पर मेल के लिए 12 टाइम्स है, सिटअप्स यहाँ पर मेल के लिए 10 टाइम्स है। अप्लाई आप इस भर्ती के लिए भी ऑनलाइन कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। joinindiannavy.gov.in पोर्टल से, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों, जो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन एयरफोर्स स्टेशन कानपुर में, भारतीय वायुसेना स्टेशन के अंतर्गत ये भर्ती है। अप्रेंटिस के लिए 250 वैकेंसीज है। 31 दिसंबर 2022 तक आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। सैलरी अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 25, 28, 30 वर्ष आयु सीमा है।
फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा। मेरिट के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कानपुर यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। indianairforce.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 और लास्ट नंबर की जॉब है वो निकले डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर त्रिपुरा में। कृषि और किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर कृषि अधिकारी की एओ की भर्ती है। 60 वैकेंसीज है। आवेदन इसके लिए यहाँ पर 9 दिसंबर से चल रहे हैं। लास्ट डेट 9 जनवरी 2023 है। 10,230 से 34,800 सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिग्री एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए 350 है। SC/ST BBL PWBD के लिए 250 है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन इंटू या पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। त्रिपुरा जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। tpsc.tripura.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 20 दिसंबर 2022 मंगलवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों के इंपॉर्टेंट लिंक यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।